सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू क्लास ऑन मार्केट मैकेनिज्म। और आज हमारा टॉपिक जो है वो है प्राइस सीलिंग। देखो, प्राइस सीलिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? कभी कभी कुछ सामान ऐसे होते हैं जो इस लेवल पर चले जाते हैं कि एक लो इनकम पीपल के लिए उनको खरीदना बहुत मुश्किल होता है। तो उस लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कुछ एसेंशियल कमोडिटीज विच आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग, उनका प्राइसेस फिक्स कर देता है। मीन्स नो वन कैन चार्ज हायर प्राइसेस, जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया उसे कहते हैं प्राइस सीलिंग। तो बेसिकली प्राइस सीलिंग का मोटिव ये होता है कि एसेंशियल कमोडिटीज का प्राइस ऐसे जगह पे फिक्स करो वेयर लो इनकम पीपल कैन अफोर्ड टू बाय देम। इससे क्या होगा, एटलीस्ट गरीब लोगों को भी वो चीज़ें खाने पहनने के लिए मिलेंगी। अब प्राइस सीलिंग का डेफिनेशन पे अगर हम आते हैं, तो प्राइस सीलिंग इज द मैक्सिमम लीगल प्राइस। तो लीगल वर्ड किस लिए लगाया गया, बिकॉज गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी फिक्स द प्राइस एट अ सर्टेन लेवल विच द सप्लायर कैन चार्ज। तो बींग अ सप्लायर, आप किसी भी गुड्स का जिसका प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है उसी को चार्ज करेंगे, उससे ज्यादा चार्ज आप नहीं कर सकते फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज। तो पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज अगर बेचना है, एक पर्टिकुलर प्राइस जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया आपको उसी पर ही बेचना है, उससे ज़्यादा चार्ज आप नहीं कर सकते। अब इसमें जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या है, पहला है इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी। देखो, हम लोग हमेशा से एक बेसिक डायग्राम बनाते हुए आए हैं इस पूरे चैप्टर में। देखो, फिर मैंने बनाता हूँ, दो एक्सिस मैंने बना दी, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी। हम लोग हमेशा जानते हैं डिमांड कर्व क्या होता है, हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और सप्लाई कर्व क्या होता है, हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग। दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, सर ई पर, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, जहाँ मेरे को प्राइस मिलता है ओपी और क्वांटिटी मिलता है ओक्यू। इससे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, वेयर डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर इक्वल। अब सोचो, गवर्नमेंट अगर प्राइस फिक्स करता है अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, सोचो गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करता है पी1 पे। अब तुम ही बोलो, अगर मार्केट में पी चले और गवर्नमेंट प्राइस फिक्स करे P1 में, क्या ये कोई सेंस बनाता है? कोई भी इंसान खरीदेगा? ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में तो उससे कम में मिल सकता था। तो गवर्नमेंट भी इतना बेवकूफ नहीं, अगर गवर्नमेंट करता तो क्या होता, होता कि सर लोग डिमांड इतना करते, सप्लाई ज़्यादा होता, तो ये रीजन क्या बन जाता, एक्सेस सप्लाई, जो मैंने फर्स्ट क्लास में ऑलरेडी आपको इस ग्राफ में बताया था। तो देयर इज नो पॉइंट इन चार्जिंग हायर प्राइसेस देन द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो प्राइस सीलिंग करना अगर है, अगर वो चीज अफोर्डेबल आपको करवानी है, तो आप प्राइस क्या करो, कम करो। इक्विलिब्रियम प्राइस जो मार्केट में भी प्रिवेल करता है बिकॉज ऑफ द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे बायर और सेलर ने मिलकर डिसाइड किया ओपी, स्टिल मेनी कंज्यूमर कैन नॉट अफोर्ड टू बाई एट दिस प्राइस, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो गवर्नमेंट को अगर प्राइस फिक्स करना ही था, तो गवर्नमेंट से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, टू सेट अ प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस सो दैट द लोअर इनकम पीपल कैन ऑल्सो अफोर्ड टू बाई इट। तो सोचो अगर हम P2 पे चले आते, तो सर P2 पे हम जैसे ही आते तो हम क्या देखते, सप्लाई इधर आ रहा है, डिमांड इधर आ रहा है। सोचो मैं इसको नाम दे दिया Q1, इसको नाम दे दिया मैं Q2। तो सर हुआ क्या, ये पॉइंट में K और L लगा दिया। तो लोग खरीदना कितना चाहते हैं, पी से लेके एल तक, मतलब ये जो रीजियन है वो एक्सेस डिमांड है। मीन्स एक्सेस डिमांड का जो आपका रीजियन बन गया, वो बन गया Q1 Q2। मतलब ये तो बात श्योर है कि अगर सर आप प्राइस नीचे रखेंगे बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो मार्केट में ये सिचुएशन पैदा होगी, क्या होगी कि क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए और सप्लाई कम होगी। ऐसे सिचुएशन पे क्या करना है, तो जो मेरे पास क्वांटिटी है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्वांटिटी है कितनी, OQ1। तो इसका मतलब है एट प्राइस OP2, अगर प्राइस मार्केट में OP2 चलता है, तो मेरे पास सप्लाई करने के लिए सर OQ1 क्वांटिटी है। तो वही क्वांटिटी सर हमको सप्लाई करना है और मार्केट में बेचना है। मीन्स एट OP2 क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई विल बी इक्वल्स टू OQ1, क्योंकि OQ2 ये जो पार्ट है इसका कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि भले कस्टमर कितना भी क्वांटिटी चाहे, हम सप्लाई तो उतना ही कर पाएंगे जितना हमारे पास अवेलेबल है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि सर ये जो अवेलेबल क्वांटिटी है ऑब्वियसली डिमांड से तो कम है, अब इस चीज़ को कैसे बांटा जाएगा,
इसीलिए इस पर एक टॉपिक बनता है एलोकेशन ऑफ अवेलेबल सप्लाई। तो जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसको कैसे लोगों में बांटें जिससे लोअर इनकम पीपल को भी कुछ मिले, मिडिल इनकम को भी मिले और हायर को तो मिलता ही है। तो इसके लिए तीन पॉइंट हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। देखो एक पॉलिसी है सेलर का ये कि भाई मेरे पास जो भी स्टॉक है मैं कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कौन अमीर है कौन गरीब है कौन मिडिल क्लास पीपल है। मेरा एक सिंपल सा पॉलिसी है, जो मेरी दुकान में पहले आएगा मैं उसको पहले सामान बेच दूंगा। एक ये पॉलिसी सेलर्स परफॉर्म करते हैं। दूसरा ये हो सकता है एलोकेशन बाय सेलर प्रेफरेंसेस। कई बार सेलर प्रीफर करता है कि इस बंदे को ही सामान बेचूंगा तो मैं उसी को बेचूंगा, उससे ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा या किसी को नहीं दूंगा, एज पर द चॉइस ऑफ द सेलर। तीसरा लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रेशनिंग। देखो रेशनिंग का मतलब क्या होता है, रेशनिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम एक मिनिमम क्वांटिटी हर एक बंदे को देना चाहते हैं कि एटलीस्ट उसके पास कुछ सामान तो मिल जाए उसके सर्वाइवल के लिए। रेशनिंग में क्या होता है कि क्वांटिटीज कम मिलती है लेकिन सबको मिलती है। यहाँ पे आप ज़्यादा पैसा दे के ज़्यादा ले लोगे ऐसा कुछ नहीं होता। आपको रेशनिंग इंडिया का पता भी है, कार्ड होल्डर्स होते हैं, हर कार्ड में एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी अलॉटेड होता है और वैसे ही हम लोग उस चीज़ को बांटते हैं। तो रेशनिंग का मतलब है एक फिक्स क्वांटिटी इंडिविजुअल्स में बांटा जाए ताकि जो भी अवेलेबल सप्लाई उनको मिल जाए। लेकिन जैसे ही हमारे कंट्री में ये प्रॉब्लम शुरू होगा ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एंड एक्सेस डिमांड, और जैसे ही रेशनिंग का पॉइंट हम फॉलो करेंगे क्योंकि सबसे इफेक्टिव है, तभी हमारे यहाँ पर इमरजेंस होता है ब्लैक मार्केटिंग का। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो वो सप्लायर को लालच कभी कभी दे देते हैं कि जो गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया है उससे ज़्यादा प्राइस हम आपको दे देंगे, आप मुझे वो क्वांटिटी दे दो। तो सेलर कई बार क्या करता है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ब्लैक मार्केटिंग को आगे बढ़ा देता है और जो क्वांटिटी उनके पास रहती है ज़्यादा प्राइसेस जो ऑफर करते हैं उनको प्रोवाइड कर देता है। तो इसीलिए जब जब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे अवेलेबल सप्लाई कम होता है डिमांड ज़्यादा होता है और उस सप्लाई का एलोकेशन के लिए जब भी आप रेशनिंग में जाते हैं या कोई भी तीनों मेथड में जाते हैं, जो रिच पीपल होते हैं उनको अगर ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए वो हमेशा सेलर को ज़्यादा प्राइसेस देते हैं और सेलर उनको कई बार सामान बेच देते हैं। तो प्राइस सीलिंग ये टॉपिक में आपको यही पढ़ना था, जस्ट प्राइस सीलिंग का डिफिनेशन क्या होता है, कैसे अवेलेबल सप्लाई को बांटा जाता है, कैसे मार्केट ब्लैक मार्केटिंग इमरजेंस होता है, और ये उसका ग्राफिकल था।